नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। यदि आपने अभी तक एनबीटीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बालाजीपुरम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही अनूठे तरीके से मनाई जाती है। यहाँ श्री कृष्ण के जन्म की पूरी कथा का नाट्य रूपांतरण किया जाता है और मंदिर में द्वापर युग का पूरा सेट बनाया जाता है, जिसे देखने प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी हजारों लोग आते हैं। मंदिर के संस्थापक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सेम वर्मा के मुताबिक भारतीय पर्वों की विदेशों में भी धूम रहती है, लेकिन खास तौर पर मौजूदा पीढ़ी के बच्चों को भगवान कृष्ण के जन्म की कथा दिखाने के लिए ही इस तरह का अनूठा आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले कंस मामा का अहंकार, कंस के कारागार में कैद देवकी और वासुदेव, तूफान और गहरे अंधकार के बीच श्री कृष्ण का जन्म, बालक श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर वासुदेव का उफंती यमुना नदी को पार करना और फिर ब्रजधाम में आनंद उत्सव, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी इस पूरी कथा का सुंदर नाट्य रूपांतरण यहाँ बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में किया जाता है। लाइट साउंड की मदद से ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वहाँ मौजूद हजारों श्रद्धालु कुछ समय के लिए उस युग को महसूस करने लगते हैं। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया कि हर साल बालाजीपुरम मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी इसी तरह धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिर के संस्थापक भारतीय मूल के अमेरिकी सेम वर्मा के मुताबिक आज के दौर में बच्चों को उनकी पौराणिक विरासत समझाने के लिए ही मंदिर प्रबंधन के द्वारा इस अनूठे आयोजन को किया जाता है। आपको बता दें कि बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में होने वाला यह आयोजन पूरी रात जारी रहता है। Thank you.
कृष्ण जन्मोत्सव का पूरा आयोजन होता है? बालाजीपुरम में आज जो आयोजन हुआ है उसमें पहले तो शाम 4 बजे से कृष्ण भजन मंदिर में चलते रहा, उसके बाद कृष्ण लीला को पूरा नाट्य के रूप में मंच पर प्रस्तुत किया गया है। किस टाइप का बाल अवस्था से लेकर के उनका जन्म का जो टोटल वो दिखाया गया नाट्य के रूप में, वो सब पब्लिक उसमें काफ़ी पब्लिक भीड़ होता है। ये कैसे होता है जन्म से लेकर फिर वसुदेव लेकर आते हैं, कैसे होता है? इसका जो नाट्य पहले होता है और उसके बाद जन्म का जो समय है चंद्रोदय के पहले, उनके चंद्रोदय जब होता है उस टाइम उनका जन्म होता है, तो उस टाइम सामने अपने गंगा कुंड है मंदिर के जस्ट बिल्कुल सामने, उसके सामने उसका अंदर से जल में टोकनी में भगवान को लेकर आते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद आनंद उत्सव उसको मनाया जाता है। ये सभी प्रकार का व्यवस्था यहाँ मंदिर से प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष से मनाया गया बहुत अच्छा ढंग से। हर मंदिर में जन्माष्टमी मनाते हैं, रात को भजन गाते हैं, रात को 12 बजे घड़ी देख के बोलते हैं आरती कर दो, हो गया जन्माष्टमी। क्या हमारे को हर मंदिर के हर की ड्यूटी है बच्चों को बताएं कि द्वापर युग में क्या हुआ था, कैसे कृष्ण भगवान आए थे, क्यों आए थे, तो वो रिक्रिएशन किया जाता है ताकि बच्चों को समझ सकें कि जो राक्षस का जो उन्होंने किया था, जो कृष्ण दुर्व्यवहार किया था, जो अपनी बहन को जेल में डाला था और उसको कैसे प्रताड़ना दी थी, क्यों भगवान आए इस जन्म पे और यहाँ पर आकर के कैसे जन्म में कैसे अपशकुन होते हैं, ये सब बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है। द्वापर युग में क्या हुआ था वो रिक्रिएशन किया जाता है ताकि हमारे धर्म के बारे में समझें, ये मेन उद्देश्य है। और भगवान खुश होते ही हैं, उनको अच्छा लगता है जब वो चंद्रोदय के समय ज़्यादातर आप देखते हैं घड़ी से 12 बजे से लोग मनाते हैं, जबकि सत्य ये नहीं है। अर्धरात्रि में जब चंद्रोदय हुआ था और उसमें रोहिणी लक्षण था, भगवान जन्मे थे, हम लोग मंदिर में उसी तरह से भगवान का जन्म होता है, ये घड़ी से कभी 12 बजे नहीं होता, कभी पहले कभी बाद में अर्धरात्रि, तो ये अच्छा बच्चों के लिए एजुकेशन है, हम लोग अपनी ड्यूटी समझते हैं इसलिए करते हैं इस तरह से।